यूपी के कौशाम्बी जिले में आज जिले के पत्रकारों ने प्रेस क्लब के अध्यक्ष ब्रजेश गौतम की अगुवाई में एसडीएम को ज्ञापन दिया है। कल भारत समाचार के दफ्तर व एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर आईटी की रेड मामले में आज जिले के पत्रकारों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट स्थित जाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि भारत समाचार के दफ्तर में सरकार के द्वारा जबरन छापा मारकर डरवाया जा रहा है। भारत समाचार सच के साथ था, सच के साथ है और रहेगा। भारत समाचार की कर्मचारी व एडिटर इन चीफ यूपी हेड के घर पर छापेमारी की जा रही है। 24 घंटे से ज्यादा से आईटी की रेड चल रही है। अभी तक आईटी की रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि ये चौथे स्तंभ पर दबाव बनाया जा रहा है। भारत समाचार सच दिखा रहा था और सच के साथ खड़ा है। भारत समाचार सच दिखाता रहेगा। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। दैनिक भास्कर के दफ्तरों में छापेमारी की गई है, सरकार के खिलाफ भारत समाचार और दैनिक भास्कर सच उजागर कर रहे थे। सच्चाई का सामना सरकार नहीं कर पाई और सच को दबाने के लिए सरकार के इशारे पर छापेमारी की गई। दैनिक भास्कर समूह और भारत समाचार के दफ्तरों में छापे मारे गए, उनके कर्मचारी उनके यूपी हेड के घर पे और आवास में छापा मारा गया। ये सरकार का बहुत निंदनीय कार्य है। सच को दबाने के लिए जिस तरह से कुचला जा रहा है और दबाव बनाने के लिए आयकर और ईडी का छापा डलवाया जा रहा है, ये इसकी घोर प्रचलन निंदा करता है और सरकार के खिलाफ पत्रकार साथी एकजुट हैं और पत्रकार अपनी आवाज़ बुलंद करें। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला? मामला पूरी तरह से यही है, भारत समाचार के खिलाफ जो कल किया है भारत सरकार ने और योगी सरकार ने जो किया है। कल ईडी और इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है वो छापा इस बात को दर्शाता है कि वो मीडिया के साथियों को डरा करके अपने हिसाब से खबरें चलवाना चाहते हैं, जिसमें जो सच्ची मीडिया है जो सच्चाई दिखाना चाहती है उसे ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब पूरे हिंदुस्तान के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं कि डरा डरा कर लोगों को, कभी सीबीआई का डर, कभी एसटीएफ का डर, कभी ईडी का डर, कभी इनकम टैक्स का डर, तो ये डर जो है लोगों के दिल से अब निकलता जा रहा है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि हमारे साथ में इतने सारे लोग खड़े हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये गुंडागर्दी है और ये गुंडागर्दी अब देश के लोग और प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह भारत समाचार के साथ और दैनिक भास्कर के साथ में खड़ी हुई है, जिनके साथ में कल उत्तर प्रदेश में बहुत सारे छापे पड़े हैं। ये कोशिश जो की जा रही है, ज्ञापन देने है, क्या मामला है? ज्ञापन देने का मुख्य कारण ये है कि हमारे पत्रकार बंधु आज सभी बहुत दुखी हैं कि ये आपके भारत समाचार एवं ये आपका दैनिक भास्कर कार्यालय मुख्य लखनऊ में जो छापा मारा गया ईडी का और इनकम टैक्स का, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये चौथे स्तंभ का पर विशेष कुठाराघात है जो सच्चाई को छिपा, मतलब सामने लाने के लिए इन्होंने समाचार छापा उस पर।